चिड़िया की बच्ची, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। देखो, उस इंसान ने मेरी पूंछ जला दी। अब समझ में आया तुम मेरे पास क्यों आई थी। और जो रोज करते हो तुम मेरे साथ, वो ठीक है? लालची कब्बे, काले कब्बे। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और कब्बा रहते थे। कब्बा बहुत शैतान था, जबकि चिड़िया बहुत मासूम थी। उन दिनों जंगल में भोजन की बहुत कमी चल रही थी। चिड़िया बेचारी ने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, और कालू कब्बा भी भूखा था। कालू कब्बा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मैं तो खुद कल से भूखी हूँ। मेरी आंखों के सामने तो अब अंधेरा छा रहा है। चिड़िया, मैं भोजन का बंदोबस्त तो कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। कब्बे कोई गलत काम तो नहीं है? वो तो थोड़ा है, लेकिन जब जिंदगी और मौत का सवाल आ जाए तो थोड़ा बहुत गलत काम भी करना पड़ता है। तो क्या सोचा है तुमने? तुम तो बहुत चालाक हो। चालाक कालू कब्बे। हाँ, वो तो है, मैं चालाक तो बहुत हूँ। पास वाले गांव में बाहर वाली सड़क पर एक तंदूर वाला रहता है। हम दोनों जाएंगे, वहाँ से एक रोटी चुरा लाएंगे और वो रोटी हम आधी आधी खा लेंगे। इससे हम दोनों की भूख भी मिट जाएगी। लेकिन एक काम हम दोनों को साथ में करना पड़ेगा। तुम पास वाले पेड़ पर बैठ जाना, जैसे ही तंदूर वाला कहीं इधर उधर हो तुम मुझे ऊंची आवाज़ में इशारा कर देना, तो मैं वहां से एक रोटी उठा लूँगा। हाँ, मैं तो, ये तो गलत काम नहीं है, तो फिर चलें हम। हाँ हाँ चलो। फिर वो पास वाले गांव की तरफ चल देते हैं। लो चिड़िया, तुम इधर बैठ जाओ, यहाँ से सब नज़र आ रहा है, और मैं तंदूर वाले के पीछे छुप जाता हूँ। वो दोनों ऐसा ही करते हैं। जैसे ही तंदूर वाला इधर उधर होता है, चिड़िया ऊंची आवाज़ में आवाज़ करती है। कौआ वहाँ छुपा था, एक रोटी तुरंत उठा लेता है और वहाँ से दोनों उड़ जाते हैं। चिड़िया भी वहाँ से उड़ जाती है। कालू कब्बे बैठ भी जाओ अब कहीं, मुझे बहुत भूख लगी है। हम दूर जंगल में जाकर खाते हैं। और कब्बा जंगल में जाकर एक जगह बैठ जाता है। ए लो चिड़िया, ये तुम्हारा हिस्सा। शर्म करो कालू कब्बे, मैंने इतनी मुश्किल से उस तंदूर वाले का ध्यान रखा, मुझे मेरा पूरा हिस्सा दो। क्या पेड़ पर बैठने से, ध्यान रखने से क्या तुम्हारी भूख मिट सकती है? अगर मैं रोटी नहीं उठाता उधर से, बस यही थोड़ी सी मिलेगी। खाना हो खाओ, नहीं तो ये भी मेरी ही कोशिश है। चिड़िया बेचारी थोड़ी सी रोटी में गुजारा करती है। अगले सुबह सुबह ही कौआ चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया जी, आज क्या ख्याल है? जंगल में तो कुछ मिलने वाला नहीं है, क्या हम आज भी वैसे ही कल जैसा काम करें? चिड़िया बेचारी को तो भूख लगी हुई थी, क्योंकि कब्बे ने तो उसे थोड़ी सी ही रोटी दी थी। लेकिन आज खाने का हिस्सा बराबर बराबर होगा। चिड़िया तुम चलो तो सही, ऐसे ही कर लेंगे। फिर वो दोनों गांव की तरफ चल देते हैं और जल्द ही गांव पहुंच जाते हैं। और चिड़िया पेड़ पर बैठ जाती है। चिड़िया की मदद से कौआ आसानी से रोटी उठाकर आ जाता है। कौए लाओ, मुझे बराबर का हिस्सा दो। ए मुंह और मसूर की दाल, शकल देखिए अपनी, बराबर का हिस्सा लेने की? पलायन मेरा, सारी मेहनत मेरी, रोटी मैं उठाऊं और तुम्हें बराबर का हिस्सा दूं? कालू कौआ चिड़िया को फिर से थोड़ी सी रोटी देकर अपनी रोटी खाकर वहां से जल्दी से भाग जाता है। कालू कौए, एक बार सुबह होने दो तो मैं भी तुम्हारी चालाकी का ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। फिर चिड़िया बेचारे भी वो थोड़ी सी रोटी खाकर अपने घर चली जाती है। अगले रोज चिड़िया खुद ही कब्बे के पास चली जाती है। कालू कब्बे, फिर क्या ख्याल है, चलें हम? हाँ हाँ चिड़िया, मैं तो आने ही वाला था तुम्हारे पास, अच्छा हुआ तुम ही आ गई। लेकिन तुम्हें अपना हिस्सा तो याद है ना, उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ हाँ कालू कब्बे, मुझे याद है, लेकिन तुम चलो तो सही। वो दोनों तंदूर वाले की तरफ चल देते हैं। जल्द ही तंदूर वाले के पास में पहुंच जाते हैं। चिड़िया अपनी जगह बैठ जाती है, कौआ भी अपनी जगह छुप जाता है। लेकिन इस बार चिड़िया ने कौए को सबक सिखाने की ठान रखी थी। जब तंदूर वाला अपने चमीटे में गरम जलती हुई आग लेता है, तभी चिड़िया अपनी आवाज़ कर देती है, और कौआ जैसे ही रोटी उठाने के लिए जाता है, तंदूर वाला वो गरम चमीटा उसकी पूंछ में छुपा देता है।
कौआ वहाँ से काँव काँव करता हुआ है मेरी पूँछ है मेरी पूँछ वहाँ से भागता है। कौआ चिड़िया के पास जाता है, कौए को सब समझ में आ जाता है। चिड़िया की बच्ची तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, देखो उस इंसान ने मेरी पूँछ जला दी, अब समझ में आया तुम मेरे पास क्यों आई थी। और जो रोज करते हो तुम मेरे साथ वो ठीक है लालची कब्बे काले कब्बे? मैं अपना खाना खुद ढूंढ लूंगी, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब देखना मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ, ये ट्रेलर है अभी फिल्म तो बाकी है। फिर कालू वहाँ से भाग जाता है ताकि वह किसी दूसरे पक्षी की मदद से अपनी पूंछ में लगी आग को बुझा सके। चिड़िया भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। कब्बा सीधे कबूतर के पास जाता है। कबूतर यार मेरे पूंछ से आग बुझा दो। अरे कालू यार क्या हुआ, ये आग तुम्हारी पूंछ पर कैसे लग गई? कबूतर आग बुझाने के लिए आगे बढ़ता लेकिन तभी चिड़िया आकर उसे रोक देती है। कबूतर भैया आप इसकी पूंछ से आग मत बुझाना, मुझे आज इसको सबक सिखाना है ताकि ये किसी को धोखा ना दे सके। कबूतर चिड़िया का अच्छा दोस्त था, वो अपने दोस्त की बात कैसे टाल सकता था। कालू यार वैसे तुम्हें तुम्हारी शैतानी की सजा तो मिलनी चाहिए, ऐसा कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। कब्बे की कोई मदद नहीं करता। चिड़िया तुम ही मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद तुम्हें क्या कोई को भी जंगल में परेशान नहीं करूँगा। हाँ हाँ अब तो तुम्हें भी अच्छा सबक मिल गया होगा। और फिर चिड़िया उसकी पूंछ से आग बुझा देती है। अब जाओ अपनी पूंछ पर मरहम पट्टी लगा लेना और इस बात को कभी भूलना मत, और किसी कमजोर को देखकर उसे धोखा मत देना, नहीं तो आग याद है ना। हाँ चिड़िया मुझे सब याद है, ऐसा कहकर कब्बा वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया और मिट्टू तोते को भागता देखकर बहुत खुश होते हैं। दोस्तों हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।